नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या छियाची भर्ती से संबंधित दोस्तों सारी अपडेट आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों छियाची साथियों के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज जो है नया साल होने वाला है 2023 के अंदर, तो दोस्तों हमारे छियाची साथियों को दोस्तों 2023 के अंदर भी न्याय मिलने वाला है। तो दोस्तों अब जल्दी तो दोस्तों जिसके अंदर अब दोस्तों 2023 का बड़ा धमाका जल्दी ही होने वाला है और दोस्तों जल्दी ही मिलेगी हमारे छियाची साथियों को नौकरी। तो दोस्तों अब जल्दी जो है संविदा में शामिल करने का बड़ा फैसला भी जो है सरकार के द्वारा लेना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आगे आने वाले दिनों में उनको भी कोई आने वाली प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलेंगे अपडेट की ओर, क्या अपडेट निकल कर आए हमारे छियाची के लिए साथियों के लिए और क्या नहीं। तो दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे किसी वीडियो से वंचित ना रह पाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी छियाची साथियों के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नव वर्ष पर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन किए कि वो 28,000 छियाची की नौकरी बहाल करें, इससे बड़ा तोहफा इनके लिए कोई दूसरा नहीं होगा। तो दोस्तों सही बात बताएगी कि दोस्तों हमारी छियाची साथियों के लिए तोहफे के रूप में जो छियाची को नौकरी देने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा प्रदेश की चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में नए पदों के सृजन और सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर अहम निर्णय किया लिए जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार होने के साथ राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र रहेगा, जिसके अंदर हमारे छियाची साथियों को बहुत से लाभ होने वाले और इसके अंदर कोई भी जो बाद में कोई भी जो रोग कोरोना जिससे प्रकार के नहीं होंगे। तो दोस्तों हमारे छियाची साथियों को अगर नौकरी लग वापस इस स्तर पर लगा दिया तो दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी राजस्थान के बेरोजगार युवा आपसे मांग रहे हैं दोस्तों कि कब इन्हें रोजगार मिले उन्हें, लेकिन आज तक आपने इन बेरोजगार युवाओं को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब इनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए सेवा बहाली जरूर से जरूर करें, ताकि दोस्तों अब हमारे छियाची साथियों की बहुत सी मांगे हैं दोस्तों इनको सरकार को जो है पूरी करनी ही होगी। इसके साथ ही जिन साथियों के सीजे ने कोविड समय लोगों की जान बचाई का कार्य किया, तो दोस्तों क्या उन्होंने गुनाह थोड़ी किया है। तो दोस्तों क्या उन्हें दोस्तों 26,000 पदों पर दोस्तों नई वैकेंसी की जो है अब तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों जिसकी और भी बात कर लेंगे दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा कोविड रोकथाम के लिए बेहतर कदम उठाए गए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। प्रदेश में 149 वैक्सीन जनरेशन प्लांट मेडिकल कॉलेज से संबंध चिकित्सालयों में स्थापित किए गए, जिससे प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन रहा है। दोस्तों जिसके अंदर हमारे दोस्तों नए जो है संचार भी खोले जा रहे हैं और दोस्तों उनके अंदर ही हमारी छियाची साथियों की जो जॉइनिंग जो है देने की पूरी संभावना प्रकट की जा रही है। और तो दोस्तों यही थी आज की हमारी छियाची साथियों के लिए अपडेट। तो दोस्तों आज का नव वर्ष का हमारी शुभ छियाची साथियों के लिए बहुत बहुत बधाई का दिन है। और दोस्तों अब टेंशन ना लेके दोस्तों जल्दी आपकी सेवा बहाली की भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी अपडेट, अगर अपडेट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे किसी वीडियो से वंचित ना रहें। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।